अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज टॉपिक है डायरेक्शंस का, ठीक है, आईक्यू में। तो इसके कुछ 10-12 एमसीक्यूज़ आते हैं बिजनेस के, एनीटी में, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो डायरेक्शंस के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो आपको जब इन सब का पता होगा ना, तो फिर इजली आप कर पाओगे कि नॉर्थ के जो अपोजिट में साउथ है, और उसके राइट में ईस्ट है, और फिर लेफ्ट में वेस्ट है। इसके अलावा और जो है वो नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्शंस हैं। अब हम कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, क्योंकि एनईटी में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो ख़ासकर डायरेक्शन में लोग जो है वो मार्क आ जाते हैं, तो उस पर अब हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। एन ए क्लास रूम स्टूडेंट ए बी सी डी ई आर पेसिंग वेस्ट, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, 5% वाले, इसमें ज़्यादा लोगों को मुश्किल होती, तो इसको करते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है नॉर्थ, उसके अपोजिट में साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते कि ये इजली हो जाए, तो आप पहले लाइन को देखेंगे, इन ए क्लास रूम स्टूडेंट ये जो है 5 आर पेसिंग वेस्ट, ये वेस्ट की तरह पेस करें। तो हम लोग जो हमारा जो सामने वाला डायरेक्शन है ना, उसको हम लोग वेस्ट ले लेंगे ताकि हमें आसानी हो। इस तरह से हम लोग करेंगे कि हम लोग वेस्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके अपोजिट हमें क्या है, ईस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, जो ये हमारे पास हम लोगों ने बना लिया है ना, इस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारे हमें आसानी होगी, ठीक है। अब आगे का देखो, बी एज इन फ्रंट ऑफ सी, बी जो है वो सी के बिल्कुल आगे फ्रंट में है, तो ये इस तरह से हो गया, सी के बिल्कुल फ्रंट में बी आ गया, ठीक है। अब लिखा है कि ए एज इन टू द साउथ ऑफ बी, ए जो है वो बी के साउथ में है। अब बी यहाँ पर है, इसके साउथ साउथ किधर आ गया, ये साउथ है ना, तो साउथ यहाँ पर आ गया इसका, तो ए यहाँ पर है, ठीक हो गया। अब लिखा है कि डी एस टू द राइट ऑफ सी, ठीक हो गया। अब सी इस तरफ पेश कर रहे हैं ना, तो इसका जो राइट है वो कौन सा है, वो ये है, ठीक है। तो जो डी है वो उसके राइट में, ये ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है कि एंड ई एस टू द ईस्ट ऑफ सी, अब सी का ईस्ट किधर है, यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। एंड व्हाट डायरेक्शन इज डी टू बी, अब हम लोगों ने सारा ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इन व्हाट डायरेक्शन इज डी टू बी, मतलब डी जो है वो बी के किस डायरेक्शन में, हम लोगों ने बी को लेकर डायरेक्शन देखनी है कि डी किधर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे पास आंसर है कि डी कहाँ पर आ रहा है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन व्हाट डायरेक्शन इज़ डी टू बी, ये नहीं है कि बी टू डी, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा समझना है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे जब आप करोगे ना, तो आसानी से होंगे। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ साउथ बिकम ईस्ट देन व्हाट विल बिकम नॉर्थ वेस्ट, ठीक हो गया। तो हम लोग ओरिजिनल जो है वो ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब इफ साउथ बिकम ईस्ट, ठीक हो गया। तो हम साउथ को ईस्ट बनाते हैं, जब ये ईस्ट बनेगा, ठीक हो गया। तो इसके उसके अपोजिट में क्या आते है? वेस्ट आते हैं ना, तो हम लोग ये चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। देन व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बिकम, ये इस साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, तो ये अब क्या बनेगा,
ये बनेगा साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। अच्छा, इसमें कुछ एमसीक्यूज आते हैं सन प्रॉब्लम रिलेटेड, तो उसमें आपने ये ख्याल करना होता है ना कि आपने क्वेश्चन में ये देखना होता है कि सन राइज हो रहा है या फिर वो मतलब गरूब हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखना होता है। अब सन राइज होता है इससे, ठीक है, यहाँ से जाते हुए और फिर वेस्ट में जो है वो गरूब हो जाता है ना, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर खड़े होंगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो उनका जो शेडो होगा वो इस साइड पे होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस साइड पे और फिर देखना होता है कि किसका शेडो किस तरफ आ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर है, मतलब सनसेट हो रहा है ना, ठीक है, तो फिर जो ऑब्जर्वर खड़े होंगे ना तो उनका जो शेडो है वो इस साइड पे आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने देख लेंगी। तो इस पे एक एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। दिस मॉर्निंग अली एंड अहमद आर स्टैंडिंग इन अ पार्क पेसिंग ईच अदर। अली शेडो इज टू द राइट ऑफ अहमद एंड व्हाट डायरेक्शन इज अली पेसिंग, ठीक है। अब मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, तो मतलब कि सन राइज हो रहा है। अब ये सन में तो सही से बना नहीं सकता। तो जो ऑब्जर्वर दोनों खड़े हैं ना, उनका जो शेडो है वो यहाँ पे होना चाहिए उनके। अब एक का जो है वो क्योंकि ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, तो इसके राइट में कर रहा है, ठीक है, ये जो शेडो है ना ये इसके राइट में है, और ये नॉर्थ को दे मतलब फेस कर रहा है, तो जो इसका जो शेडो है ना ये उसके अपने लेफ्ट में, ठीक है। तो अब इससे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि किसका क्या कह रहे हैं ये लोग। तो अली शेडो इज़ टू द राइट ऑफ अहमद। अब अली का जो शेडो है वो हम अहमद के राइट पे है, तो यहाँ पर किसके राइट पे शेडो आ रहा है, ये एक्स जो मैंने अज्यूम किया है ना, तो इसके राइट पे, तो मतलब अहमद के राइट पे, तो मतलब अहमद यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और अली यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इन व्हाट डायरेक्शन इज़ अली पेसिंग, तो अब अली यहाँ पर ये पेस कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो ये किस तरफ पेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है ये आपने करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं, ये भी एनएटी में ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। अली इज पेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही मूव्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन मूव्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा से वजह से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो अली जो है वो किस तरफ प्रेस कर रहे हैं, नॉर्थ और मतलब वेस्ट। तो अली मतलब यहाँ पर इस टाइम प्रेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये 225 डिग्री जो है वो इस साइड पे मूव करेगा, मतलब क्लाक वाइज। अब क्लाक वाइज कौन सा होता है, यहाँ से जो इस तरह जाता है, और एंटी क्लाक वाइज जो यहाँ से आप मतलब क्लॉक को ही देख लो वो उस हिसाब से ना। तो हम लोग अब यहाँ से एज्यूम करेंगे ये 225 डिग्री, तो ये 45 यहाँ तक हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक और यहाँ तक, तो ये 180 प्लस 45, तो ये 225 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, अब ये जो है वो साउथ की तरफ पेश कर रहा है, ठीक हो गया। अब इसके आगे कहते हैं कि ही टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 135 उल्टे साइड पे, तो ये नाइन्टी हो गया और 45 यहाँ तक, ठीक हो गया, ये 135 हो गया, ये हो गया था 225, यहाँ पर आ गया। अब ये कहते हैं कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ, ठीक है। अब ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अब ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है जो कि है नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू।